देखिए शिवा एक ऐसी धरती है, यहाँ ऐसे ऐसे राजनेता लोग रहे हैं जो जिनपे हम लोग सबको हर शिवा वासियों को गर्व है, जिन्होंने जिला बनाने का काम किया। नमस्कार, मैं हूँ मुकेश झा, आप देख रहे हैं ट्रू फैक्ट न्यूज को। अभी मैं बिहार के शिवहर जिला में मौजूद हूँ। हमारे बीच यहाँ पर जो मौजूद आप इस चेहरा को देख रहे हैं, इस फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा है, किसी परिचय का मोहताज नहीं। विजय कुमार नाम है इनका, उप सभापति पद के प्रत्याशी हैं शिवहर नगर परिषद क्षेत्र से। अब मैं रूबरू करवाना चाहूंगा कि शिवहर में किस प्रकार से क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, शिवहर एक सुनहरा शिवहर कैसे बने, इन तमाम मुद्दों को लेकर के मैं आप तमाम दर्शकों के बीच रूबरू करवाना चाहूंगा। सर्वप्रथम ट्रू फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। शिवहर नगर परिषद की जनता को मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। विजय जी, जिस प्रकार से आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, तो जनता आपसे निश्चित रूप से रूबरू होकर कुछ न कुछ शिवहर के विकास के मुद्दे पर जनता क्या कह रही है, आपको इसके बारे में जरा बताएंगे आप? बिल्कुल, मैं पिछले 10 महीनों से जनता की अदालत में हाजिरी लगा रहा हूँ। 10 महीनों से मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ, और जनता भी हम लोगों के बीच अपनी बात रखते हैं। बहुत ऐसी समस्या है शिवहर के अंदर जिसके बारे में वो हमको अवगत कराते हैं, और इस बार जो जनता का मूड है वो बदलाव को लेके, नए लोगों को चुनने के मूड में है जनता, शिवहर की जनता, और नए लोगों का चुनाव इस बार शिवहर नगर परिषद के अंदर आपको देखने को मिलेगा। शिवहर को सुनहरा शिवहर बनाने का आपका विजन क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि समस्या जो भी है, जितने भी प्रत्याशी है लगभग लोग इस समस्या को रखते हैं, अपनी बात जनता तक रखते हैं, और हम जो राजनीति में आए हैं तो यह सोच क्या है, और हम जनता से अपील भी कर रहे हैं कि अगर जनता का प्यार आशीर्वाद मिला तो 5 साल बनाम 7 वादे जो हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला है, पब्लिकली पब्लिश भी किया है अपने सोशल मीडिया जी। पहला वादा है कि जल जमाव से शिवहर को निजात दिलाना है। दूसरा वादा है शिक्षा को बेहतर करना है। तीसरा वादा है स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करना है। चौथा वादा है छोटे बड़े उद्योग लगा के महिलाओं को रोजगार दिलवाना है। पांचवा वादा है शिवहर नगर परिषद के अंदर हर एक चौक चौराहे पे सुलभ शौचालय का व्यवस्था करवाना है। छठा वादा है रोड और नाले का, हर वार्ड में रोड नाले को दुरुस्त करना है। सातवां वादा है स्टेडियम और पार्क का, जो थोड़ा टफ है, लेकिन अगर इच्छा शक्ति काम करने की हो तो कोई भी काम किया जा सकता है। उसके लिए जो भी सहयोग हमको प्रशासन से लेना होगा, आम जनता से लेना होगा। और आपने जिस प्रकार से अन्य जिला में भी आप जाते होइएगा, जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी नज़दीक का जिला है, आप भ्रमण करते हैं, जाते आते हैं, तो वह जिला को देखने के बाद में कुछ ऐसा आपको ये एहसास नहीं होता है, कुछ महसूस नहीं होता है आपको कि हमारा जिला भी शिवहर जिला है? उस जिला में किस प्रकार से विकास जो देख रहे हैं, कितना प्रगति की ओर जा रहा है, विकास कितना मजबूत है, जैसे पुल पुलिया हो गया, आपको बाईपास हो गया, ये सब टाइप का जो है कि आप देखते हैं, भ्रमण करते हैं, तो कुछ आपको एहसास ऐसा नहीं होता है कि मेरा शिवहर भी उसी प्रकार से बने? देखिए, शिवहर एक ऐसी धरती है, यहाँ ऐसे ऐसे राजनेता लोग रहे हैं जो जिनपे हम लोग सबको हर शिवहर वासियों को गर्व है, जिन्होंने जिला बनाने का काम किया, एक शिवहर एक नया पहचान भारत के मानचित्र में, बिहार के मानचित्र में देने का काम किया। शिवहर को आप उस हिसाब से नहीं देख सकते, शिवहर एक ऐसा धरती है जहाँ के बेटे ने बहुत बड़ा बड़ा काम किया। विजय जी, आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि जो शिवहर जिला में मास्टर प्लान की आवश्यकता है, ताकि हमारा बाईपास जो है कि जो मतलब सही ढंग से लोग जो है कि जो जैसे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जैसे जो है कि जो आते हैं, और उसी जगह पर जो है कि जो टाइप ऑफ बाईपास जो हो कि जो 5 मिनट में उसी जगह पर पहुंच जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मंशा यही है। पहले तो अच्छे लोगों का चुनाव हो सके, अच्छे लोग जब जीत के आएंगे तो मास्टर प्लान के साथ काम करेंगे। नगर परिषद का जो क्षेत्र होगा, जहाँ तक उसका सीमा होगा, वहाँ तक बिल्कुल विकास देखने को मिलेगा। सीमा से बाहर तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, फिर क्षेत्र विधायक का होगा, सांसद के द्वारा काम किया जा सकता है। ये जो नगर परिषद का जो क्षेत्र है उसमें मैं विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि अगर जनता का प्यार आशीर्वाद मिला तो उसमें काम देखने को मिलेगा।
आपके लिए एक आखिरी सवाल है कि जो भी प्रत्याशी है वह जो घूमने के समय अपना वोट मांगने के समय न जाने कितने लाखों करोड़ों वादा करते हैं और उस वादा को जब कुर्सी पर बैठ जाने के बाद जीतने के बाद पता नहीं वह वादा कहाँ हवा में उड़ जाता है, झूठा वादा करना और उसको भूल जाना, इस पर आप जनता को कैसे प्रेरित कीजिए? मैं बिल्कुल लगभग 10-15 सालों में विकास मजाक सा बन के रह गया है। जब आप विकास की बात करते हैं जनता से तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये भी फिर इनने की छल करेगा, ठगेगा हमको, मजाक सा लगता है जनता को। बिल्कुल आपके बात से हम संतुष्ट हैं कि ये बात हम लोग को भी पब्लिकली नहीं झेलना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपील करते हैं जनता से कि अच्छे लोगों का चुनाव करें। अच्छे लोगों का चुनाव जब होगा तो बिल्कुल विकास होगा। विश्वास दिलाने के लिए तो बहुत सारे बात वादे किए जा सकते हैं, लेकिन हम पब्लिक से विश्वास दिलाने की बात नहीं करते हैं। हम बोलते हैं कि अच्छे लोगों का चुनाव हो सके। जब अच्छे लोगों का चुनाव होगा तो विकास बिल्कुल होगा। विजय जी, आपका सिंबल क्या है? जी, हमारा सिंबल डमरू छाप है, जो कि प्रत्याशी ज़्यादा होने के कारण दूसरे EVM में दूसरा नंबर, क्रमांक संख्या 18 है, डमरू छाप। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप डमरू छाप को डमरू छाप पे वोट करके विजयी बना। शिवहर को सुनहरा शिवहर कैसे बनाया जाए, कैसे बनेगा, इसके बारे में तमाम जानकारी आप तमाम दर्शकों को इन्होंने दिया। बने रहिए हमारे ट्रू फैक्ट न्यूज पर, आपको हर पल पल का खबर दिखाने के लिए ट्रू फैक्ट न्यूज हमेशा तत्पर है।